हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी हमेशा की तरह मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। दोस्तों, घर में अगर चूहे हो जाए तो इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि ये हमारे महंगे से महंगे सामान को ख़राब करने लगते हैं। हमारे घर से जल्दी ये जाते भी नहीं हैं। इनको मारना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन हाँ, अपने घर से भगाना सभी चाहते हैं। तो आज मैं इनको भगाने के लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा घरेलू तरीका, जिसे आप अपना कर अपने घर से चूहों को भगा सकते हैं। क्या है वो तरीका, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है। ध्यान रखें, ऐसा बर्तन ले जो आप खाने पीने के यूज़ में ना लेते हों। उसके बाद आपको इसमें लेना है 2 चम्मच गेहूँ का आटा। आप गेहूँ के आटे की जगह चावल का आटा ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं या फिर मैदा ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है फिटकरी। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा फिटकरी लिया, जिसे पाउडर बनाकर इसके अंदर डाल दिया। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच के करीब लेना है काली मिर्च का पाउडर। पाउडर नहीं है तो जो काली मिर्च के दाने होते हैं, इनको भी आप हल्का सा कूट लें और इसके अंदर 1 चम्मच के करीब डाल दें। अब आपको ज़रूरत होगी कुछ मेडिसिन की। देखिए, घर में कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, उनका हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। चाहे वो लिक्विड हो या फिर टैबलेट हो, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर सिरप लिया है जो कि एक्सपायर है, इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच के करीब ये सिरप डाल देंगे। वहीं अगर आप इस सिरप की जगह कोई टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले टैबलेट को आप पाउडर बना लें और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दें। उसके बाद आप सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लें। फिर आपको ज़रूरत होगी खाने वाले सोडे का या फिर बेकिंग पाउडर का, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। 1 चम्मच के करीब आप इसके अंदर डाल दें। अब इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँची। हमें इसका पेस्ट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला और ये जो हमारा पेस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और अगर आपको ये ज़्यादा बनाना है, बहुत ज़्यादा चूहों से परेशान है, तो इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी को आप बढ़ा दें। अब हमें इसी पेस्ट का इस्तेमाल करना है, लेकिन कैसे करना है? देखिए, घर में कुछ ऐसे बेकार पैकेट होते हैं जो कि खाली हो जाते हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है। तो आप इस तरह से पैकेट का इस्तेमाल कर लें, यहाँ पर आप पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप बची हुई रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको सही लगे आप वो ले लें। हमने यहाँ पर इस तरह के पैकेट का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पेस्ट आपने बना कर रखा है, इसी को सारे पेपर के ऊपर रख देना है। और अगर आप यहाँ पर रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे ही रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और रोटी के ऊपर आपको इस सारे पेस्ट को अच्छे से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा मीठा बिस्किट का टुकड़ा रख दें, या फिर इस तरह की कच्ची मूंगफली या भुनी हुई मूंगफली, आप इन सारे के ऊपर एक एक दाने रख दें। बिस्किट भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से मूंगफली के दाने भी रख सकते हैं। अब इसको वहाँ पर आपको रख देना है जहाँ पर भी आपको लगता हो कि चूहा यहाँ बहुत ज़्यादा आता है, चाहे वो मेन गेट हो या अगर घर में चूहा आता है तो वो किचन में तो ज़रूर आता है। तो आप गैस चूल्हे के नीचे रख दें या फिर गैस पाइपलाइन के नीचे रख दें, यहाँ पर चूहा जरूर आता है। इस तरह से आप पैकेट रख दे, हाँ, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, या फिर जहां पर भी आपको लगता है कि आपके घर में चूहा यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान करता है, वहां पर आप एक ये पैकेट रख दे। रोटी कर रहे हैं तो आप रोटी के ऊपर ये लगाकर रख दे। अनाज की बोरियों के पास भी चूहा बहुत ज्यादा आता है, तो वहां पर भी आप रख सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका एक और हम जान लेते हैं। उसके लिए हमें जरूरत होगी टमाटर की। अक्सर जो सब्जियां हम लाते हैं, आपने देखा होगा प्याज चूहा कभी कट नहीं करता, लेकिन हाँ, टमाटर और आलू को बहुत जल्दी कट करता है। तो इस नुस्खा का इस्तेमाल करने के लिए भी हम यहाँ पर टमाटर का ही इस्तेमाल करेंगे। आपको क्या करना है, 1 टमाटर लेना है
और इसको कट कर लेना है। हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप इसे और भी ज़्यादा पीसेस में कट कर लें। अब आपको ज़रूरत होगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का, तीखा होना चाहिए। वो पाउडर को आपको इस टमाटर के ऊपर लगा देना है और चारों तरफ से इसे अच्छे से आपको फैला देना है। तो इसी तरह से आप जितने भी टमाटर के टुकड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं सारे के ऊपर लाल मिर्च पाउडर आपको इस तरह से लगा देना है। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी 1 चम्मच चीनी का। यहाँ पर हम चीनी के पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चीनी के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके पास है। इसी के ऊपर आपको ये चीनी का पाउडर या फिर चीनी के दाने अच्छे से डालकर पूरे टमाटर के ऊपर आपको अच्छे से फैला देना है। अब आपको इसी टमाटर का इस्तेमाल करना है चूहा भगाने के लिए। आपको क्या करना है, जैसे आपको लगता है कि जहाँ पर भी चूहा बहुत ज़्यादा आता है, चाहे वो मेन गेट हो या किचन हो, जहाँ पर भी आपको लगता है वहाँ पर आप एक ये टमाटर रख दें। बहुत ही कमाल का ये घरेलू नुस्खा है दोस्तों। मैंने इस वीडियो में आपके साथ 2 तरीका शेयर किया है। जो भी आपको पसंद है, जो आसान लगे, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।